उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हम आपको बता दें कि आगरा में 10 वर्षीय मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने भोला नाम के व्यक्ति ने झाड़फूक करने के चलते मासूम की हत्या की थी। तंत्र विद्या की वापस मजबूत करने के लिए 2.5 साल के मासूम ऋतिक की हत्या की गई थी। हत्या कर बोरे में शव को बंद करके नदी के पास फेंक दिया गया था। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना थाना जगनेर इलाके की बताई जा रही है। 15 जून 2022 को थाना क्षेत्र जगनेर में एक बच्चा गुम हो गया था। बच्चे की गुम होने पर उसके पिता ने दिनांक 16 जून 2022 को तहरीर थाने पर दी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ 363 का। उसके बाद से ही लगातार पुलिस उस बच्चे की तलाश में लग गई। उसके अगले दिन जब पूरा गांव तलाशा गया तो पास के ही एक किवाड़ नदी है जहां पर उस बच्चे की लाश मिली है। उस बच्चे की लाश मिलने के बाद फिर पुलिस जुट गई कि उस बच्चे की हत्या किसने की है, क्योंकि जो जिस तरीके से उस बच्चे की लाश मिली थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें हत्या की पुष्टि हो रही थी। तो ये जब पूरी छानबीन की गई तो उसी गांव का ही एक व्यक्ति है जो कि तंत्र मंत्र और झाड़फूक में विश्वास रखता है, जिसका नाम हुकुम सिंह और भोला पुत्र कैलाशी निवासी ग्राम बरिकवा बुजुर्ग थाना जगनेर का रहने वाला है। ये काफ़ी पहले से झाड़फूक और तंत्र मंत्र की ये कार्रवाई करता था और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि अभी रिसेंट में जो इसकी झाड़फूक है वो काम नहीं कर रही थी, तो इसको लगा कि अगर ये बलि देता है किसी बच्चे की तो बलि देने से उसकी जो झाड़फूक की जो विद्या है वो वापस आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी वापस। तो इसी के चलते इसने जो गांव में इसमें जो वाली का जो लड़का है इसने उसको टारगेट बनाया। इसने उसको वहीं गांव से ही ये पास में एक कुएं के पास में ये खेल रहा था, वहां से इसने उठाया, इसको उठा के ये अपने ट्यूबवेल पे ले गया। ट्यूबवेल पे इसने फिर उस बच्चे को मारा। मारने के बाद इसने देवी के सामने फिर वो अपना मंत्र जाप किया उस बच्चे को रख के, उसके बच्चे की लाश को रख के। उसके बाद इसने लाश को छुपाने हेतु किवाड़ नदी जो पास में ही है वहाँ पर जाके इसने डंप कर दिया। जो बच्चे के पैर में सैंडल थे, जो बोरे थे, वो इसने अलग छुपा दिए थे ताकि कोई पहचान इसकी हो ना पाए, इसको इसके पास पकड़ ना पाए, इसके तक पहुँच ना पाए। इससे जब पूछताछ की गई तो वो जो बोरा था जिसमें जिसका इस्तेमाल इसने लाश को छुपाने के लिए वहाँ किवाड़ नदी में फेंकने के लिए इस्तेमाल किया है वो बोरा मिल गया है। जो बच्चे के सैंडल थे वो सैंडल मिल गया है। इससे और जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसने ये भी बताया कि जो मृतक बच्चा है उसका जो पिता है वो उसी गांव में उसका जो पिता है यानी उसका दादा, जो मृतक का दादा है उसने इसके पिता को गोद लिया हुआ था और उसके पास लगभग उसके हिस्से में 3 बीघे खेत आती थी जो जिसकी कीमत लगभग 15 से 16 लाख है। इनके अपने पिता से अनबन थी तो वो ये भी आशंका